नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। कासगंज पुरानी रंजिश के चलते युवक को घेर कर मारी गोली। घायल सोनू को पुलिस के द्वारा कराया गया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने घायल की हालत गंभीर होने पर कासगंज जिला चिकित्सालय से किया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर। सोरो कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर खुर्द का है घायल निवासी। कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव पहाड़पुर खुर्द निवासी 23 वर्षीय सोनू बाजार से सब्जी खरीद कर अपने घर को जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही प्रवेंद्र व शिवनारायण ने प्रहलादपुर बंबा पर घेर लिया। वहीं इन लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। इस बीच प्रवेंद्र ने नाजायज तमंचे से सोनू को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही सोरो कोतवाली प्रभारी रमेश चंद्र भारद्वाज व सीओडी के पंत में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने गोली लगने से घायल सोनू को कासगंज जिला चिकित्सालय मामू में भर्ती करा दिया है। वहीं डॉक्टर ने सोनू की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया तथा पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है तथा दोनों अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। क्या नाम है आपका? चांदनी जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई है, क्या मामला हुआ है? गोली मारी। किसने मारी है? और भी कोई था साथ? अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? कौन सी जगह गोली मारी थी? किस बात को लेकर गोली मारी है? पुरानी रंजिश है। मेरे दो भाई तो जेल में फंसा दिए इन लोगों ने, एक ही रह गया, उनको भी मार दिया। कितने समय की बात है ये? 7:30 के लगभग में हुई बात। कहाँ के निवासी हैं? रहने वाले कहाँ के हैं? पहाड़पुर के। और जिन लोगों ने गोली मारी है वो कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़पुर के हैं। क्या नाम है उनके? एक को सिमरन, एक को प्रवेंद्र। गोली किसने मारी थी? प्रवेंद्र ने। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीर बहादुर है। यहाँ पर अभी अभी एक पेशेंट आया है, क्या पूरा मामला है उसका? अभी एक मरीज आया था जो कि सोनू नाम था, जिसके पिताजी का नाम कोकपाल है, उम्र लगभग 23 वर्ष है, जो कि 8:25 पर इमरजेंसी में लाया गया, जो उनके साथ पुलिस थी और वो जो पुलिस जो साथ थी वो उसे गोलीकांड बता रहे थे कि हालत गंभीर है और उसको हमने अलीगढ़ रेफर कर दिया।